नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लोकेशन ट्रैकिंग ऐप का किया शुभारंभ। 82.5 लाख रुपए की लागत से 3 साल के लिए बने इस ऐप का कोरोना की वजह से 1 साल हुआ लैप्स। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां शहर के सौंदर्यीकरण व विकास के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए के काम कराए जा रहे हैं, वहीं नगर निगम को डिजिटलाइज व हाईटेक करने के लिए आज ऑटो टिपर व सिटी बसों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम आधारित ऐप लॉन्च किया गया। हालांकि 3 साल के लिए लगभग 82.5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस ऐप का टेंडर कलकत्ता की मैसर्स वास्प इन्फोटेक को दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर IoT डिवाइस के निर्धारित 3 साल के समय में से 1 साल तो कोरोना के कारण लैप्स हो चुका है। वर्ष 2023 तक अजमेर वासी इस ऐप का उपयोग कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल पर कचरा संग्रहण के लिए आने वाले ऑटो टिपर, अजमेर शहर में 7 रूटों पर चलने वाली निगम की बसों की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। आने वाले समय में नगर निगम अजमेर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिंक रहेगा। अजमेर के पर्यटन स्थलों की सूची गूगल मैप ऑफ पार्क, पब्लिक टॉयलेट, इंदिरा रसोई, कम्युनिटी हॉल, आश्रय स्थल, पार्किंग, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड और उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। इसके अलावा अजमेर के महत्वपूर्ण संपर्क विवरण, डिजिटल न्यूज लिंक भी उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर नगर निगम महापौर बिरलदहाड़ा और उपमहापौर नीरज जैन ने जहाँ इस ऐप की प्रशंसा की, वहीं स्मार्ट सिटी के कामों में देरी और रोड़ा अटकाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, अजमेर की जनता और पार्षद हमारे नगर निगम के हैं, उनको एक समस्या बार बार आती थी, जो ऑटो टिपर कचरा संग्रहण का काम डोर टू डोर का अजमेर में, राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था। वो डोर टू डोर का संग्रहण करने वाले जो ऑटो टिपर थे, उनकी टाइमिंग को लेकर के, उनके आने को लेकर के, उनकी लोकेशन को लेकर के हमेशा समस्या रहती थी। आमदनी इससे परेशान रहता था। कई बार ऑटो टिपर टाइम से पहले आ गया, कभी लेट हो गया, तो जिनको कचरा देना होता था वो कचरा नहीं दे पाते थे। कभी कभार उसकी जो सायरन है वो नहीं चल रहा होता था। तो इनके कारण ये समस्या केवल मात्र जनता को ही नहीं, हम पार्षदों को भी आती थी। निश्चित रूप से ये अजमेर सिटीजन ऐप लॉन्च होने के बाद से उसका टाइमिंग, उसका लोकेशन और किस स्थान पर कब पहुँचा, इसकी जानकारी अधिकारियों को भी रहेगी और आमजन को भी रहेगी। आमजन इस ऐप को जब डाउनलोड करेगा, अपने कचरे की शिकायत, जो संग्रहण की शिकायत है वो भी, और जगह जगह जहाँ पर भी इनको गंदगी को लेकर शिकायत है, कंप्लेंट्स लॉज करा पाएगा। साथ ही अजमेर की जनता को जो सिटी बस नगर निगम चला रही है, उसकी लोकेशन भी इस GPS सिस्टम से जुड़ने के कारण से जानकारी रहेगी। वो अपनी अपने स्थान से उन बसों को जहाँ पर उनको पहुँचना है उसके लिए टाइमिंग पर पहुँच करके उस बस स्टैंड से बस ले पाएंगे। ये सुविधा अजमेर के लिए, और केवल बात इसमें सिर्फ GPS सिस्टम से ऑटो टिपर ही नहीं, बसेज ही नहीं, आने वाले समय में हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे यूरिनल्स हैं, हमारे और जो यूटिलिटी जो नगर निगम की है, उन यूटिलिटी और अजमेर के जो दर्शनीय स्थल है उनके पॉइंट्स भी जो है उनको भी जोड़ा जाएगा, जिसके कारण से आने वाले टूरिस्टों को भी फायदा होगा। और ये एक ऐतिहासिक कदम है और अजमेर की जनता के लिए और अजमेर के सभी पार्षदों के लिए एक सुविधा इससे उपलब्ध होने वाली है। जहाँ तक ये कांग्रेस के हमारी साथी पार्षद का आरोप है कि ये 2 साल पहले लॉन्च होना था और इसमें इतना टाइम क्यों लग गया, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जब इसके लिए पहली बार प्लानिंग हुई तब से आज तक 1.5 साल का समय निकला है। कोरोना काल के कारण से इसकी लॉन्चिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई। दिसंबर 2020 में इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन नगर निगम के चुनाव नहीं होने के कारण से 6 महीने से चुनाव नहीं हुए और डीलिमिटेशन के कारण से वार्ड्स बढ़ गए। पहले 60 वार्ड के हिसाब से रचना की हुई थी, वार्ड 80 हो गए। 80 वार्ड होने के कारण से इसकी रचना को वापस से बदलना पड़ा और लॉन्चिंग से पहले फिर कोरोना के कारण से 4 महीने से सब पूरा राजस्थान, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था।
ऐसी स्थिति में इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई। निश्चित रूप से उनका यह प्रश्न जायज है कि इसकी देरी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना है। 2000 आज जब ये लॉन्चिंग हुई है 2020 से, तो अगले 3 साल तक ये ऐप काम करने वाला है। आने वाले टाइम में और इसमें अपडेशन और अपग्रेडेशन हो जाएंगे, तो ये ऐप को लंबे समय तक हम अजमेर के लिए काम में ले पाएंगे। और रही बात उनकी किसके लिए दोषी कौन, मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो घोषणा 2016 में की थी, लगातार अजमेर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को जो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार को देनी थी वो देते रहे, लेकिन 2018 में जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, स्मार्ट सिटी के कामों को ब्रेक लग गया, स्मार्ट सिटी के काम रुक गए। मुझे लगता है कि इनको ये सवाल अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि अजमेर के स्मार्ट सिटी के काम में इतनी ढिलाई लापरवाही क्यों हुई कि अजमेर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो 19 से गिर करके 27 में पहुंच गई, और जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए उसके लिए दोषी कौन है, वो साफ साफ पता लगता है कि केंद्र सरकार की योजना को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाना, इसके लिए इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर की रैंकिंग गिरने, और इसके लिए दोषी राजस्थान सरकार। आज ये अजमेर सिटीजन आज जो है अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो है अजमेर सिटीजन ऐप का आज लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से आप ये मालूम, मतलब जो वार्डवासी हैं वो भी ये पता कर सकेंगे कि ऑटो टिपर कहाँ कितनी देर में आपके पास आएगा। इसी को लेकर और आगे भी जो अपने और भी शहर में जो सिटी बसें चल रही निगम की, उसका भी मालूम पड़ जाएगा कि किस जगह और कितने वक्त में आने वाली है, इनका स्टॉप कितने बजे का है आने का। तो ये सब चीज़ों को देखकर ये लॉन्च किया गया। ऑटो टिपर तो है ही, और भी कई जो शिकायतें हैं और भी कई चीज़ें, पूरे मसले को लेकर अभी आपके सामने आपके कांग्रेस के साथ तो कहना है कि आप कौन, लेकिन पहले बताओ जी आप कौन, पार्षद हो या कौन है, मीडिया तो खड़े तो मीडिया वाले हैं। नहीं तो मुझे नहीं पता, इन सबके पास देखो मोबाइल और ये हाथ में ये है, आपके पास कुछ नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। कैमरा पर्सन भाई करते हैं और रिपोर्टर खड़े होकर बात करते हैं। हाँ तो आप बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपके समक्ष कांग्रेस के पार्षद ने स्पष्ट कहा है कि 3 साल बीतेंगे, 1 साल खराब कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे। अब इस विषय में तो मैं क्या कह सकती हूँ, सरकार इनकी है, सरकार का हमारी तो है नहीं बीजेपी की, तो जो कुछ भी देरदार है सरकार की वजह से, हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए, ये है। इन्हीं की सरकार है, आप कह रहे हैं इनकी सरकार है, यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लॉन्च करने वाली नगर निगम लॉन्च स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग कैसे होगी, और जो ये समय अभी दिखा रहे हैं इसका निराकरण, कैसे किया जाए, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए तो स्मार्ट सिटी वालों से बात करेंगे हम, क्या है क्या नहीं है। अगर इससे पहले ये ऐप का उद्घाटन कर दिया जाता तो स्मार्ट सिटी में कितना फायदा होता, काफ़ी फायदा होता, अब ये लेट हुए थोड़ा। तो वहीं कांग्रेस की पार्षद द्रौपदी कोहली ने इस ऐप के क्रियान्वयन में घोटालों का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी के कामों में नगर निगम भी एक पार्टनर संस्था है, लेकिन वहां के ट्रस्टी होने के नाते हमें उनकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। 82.5 लाख रुपए से 3 साल के लिए इस ऐप को बनाने का औचित्य समझ नहीं आ रहा, जिसमें भी 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो चुका है। ये देखिए, ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और इसके अंतर्गत जो ऐप डाउनलोड की बात आ रही है, अगर ऐप डाउनलोड करवाना था, हम इसमें ये कहते ही इसके विरोध में नहीं कि ऐप नहीं बनना चाहिए, ऐप बनना चाहिए, जरूरी है स्मार्ट सिटी के लिए। आज तक स्मार्ट सिटी में हम बार बार यही प्रश्न करते हैं कि आप अजमेर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, अजमेर को कैसे स्मार्ट बनाओगे, कुछ इस तरह के मेरे को तो दिख नहीं रहा, 3 साल का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो गया। आज तक कभी भी स्मार्ट सिटी में पूरे सर्वे होता,
कंपटीशन होता है उसमें कभी भी नगर निगम अजमेर का कोई सहभागिता नहीं है आज तक। ऐसा क्यों भाई? पैसे तो नगर निगम भी खर्च कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, तो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, नंबर वन आवे, दो आवे, तीन आवे, चार आवे, दस नंबर तक चला जावे, या तो 100 नंबर तक लिस्ट में नाम ही नहीं आता कभी भी। तो हमारे कर्मचारी और ये जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं भाई? हमारा पूछने का अधिकार है क्योंकि हम नगर निगम के ट्रस्टी है और पूछने का अधिकार रखते हैं। और पिछले 4 सालों से हम यही पूछते आ रहे हैं लेकिन कहीं मुझे कहीं स्मार्ट सिटी। आज भी आप ये जो ऐप बनाया इन्होंने, ऐप में देखिए तारीख दी है इन्होंने खुद ने कि 2020 में इन्होंने 82.32 लाख का टेंडर किया कोई, और टेंडर की कार्य की अवधि दी है इन्होंने 17 मार्च 2020, और कार्य पूर्ण होने की तारीख दी इन्होंने 19/12/2020, और 3 साल समय दिया इसका। अब 3 साल में 1 साल तो वही निकल गया, ये मान भी लिया कि कोरोना का निकल गया, तो ये जो डाउनलोड करेंगे पैसे तो जनता सरकार पब्लिक के लगने ना, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में डाउनलोड का निकाला आपने कि फ्री में डाउनलोड करो आप, इसको ऐसा कोई दिया है क्या इसमें कि फ्री में डाउनलोड हो? मुझे तो इसके मन इसके पीछे सारी घोटाला ही घोटाले नज़र आते हैं, इसमें कोई मंशा है, सारी मंशा ऐसी ही लग रही है। तो आप जांच बिल्कुल जांच की मांग करेंगे, अगर ऐसा आएगा तो जांच की भी मांग करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक, थैंक यू।